नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय उपाध्याय। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कल क्या हाल हुआ है। पूरे इंडिया एक सदमे में चली गई है, बॉलीवुड से लेकर राजनीति गलियारों तक पूरा सदमा, पूरे झटका, हर किसी को झटका लगा है ये सुन के कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के अंदर अपने ही घर में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। और बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सबके ट्वीट और सब अपना दुख जता रहे हैं। आप सबको ये पता ही होगा, सलमान खान से लेके अक्षय कुमार, अजय देवगन, और यहाँ पॉलिटिक्स में देखा जाए मोदी और केजरीवाल, यहाँ ए टू जेड, मतलब जिसको भी पता लग रहा है वो अपना दुख जता रहा है, अपना कुछ ना कुछ ओम शांति लिख ही रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान को पता चल रहा है कि एक 34 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, जो एक बेहद ही एक टैलेंटेड लड़का था। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो अपनी अगर पर्सनली कहूँ तो जो धोनी अपनी पहचान नहीं बना पाए थे, सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी की अलग से ही एक पहचान बना दी थी। और अलग से ही, आप सबको ये बात अगर पता जरूर होगी, क्योंकि धोनी अनटोल्ड स्टोरी एक अलग ही मूवी आई थी, उसके बाद ही कई बायोपिक बनी हैं। आप सबने देखा होगा कई बायोपिक बनी है, पर ऐसी खड़ी नहीं हुई थी। सचिन ने भी अपनी करी थी, कपिल देव की भी बनी रही है, पर धोनी की एक अलग ही मूवी आई थी और वो सुशांत सिंह राजपूत के चलते ही अच्छी मूवी गई है। धोनी भी कहीं आके यही कहेंगे कि भाई मेरी वजह से नहीं, ये इसके वजह से ही मूवी अच्छी गई है। तो ये चीज़ था, बहुत अच्छे से अपना काम करते थे ये। 34 साल की उम्र में इतना ऊपर उठ जाना, मैं तो कहूँगा कोई सितारा ही इसे कर सकता है, चांद पे चढ़ कोई सितारा ही चढ़ता। तो ये सब चीज़ था, बहुत अच्छा लगा था। तो एक चीज़ मैं ये बताऊँगा, ये अगर हर जगह से दुख जताया जा रहा था, जैसा कि मैं बॉलीवुड से कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स से कह रहा हूँ, हर जगह से दुख जताया जा रहा, तो कहीं ना कहीं नवासी चक्रवर्ती भी और मिथुन दा और अजय देवगन, अक्षय कुमार, कहीं हर जगह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेंट दे ही रहा है कि कैसे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। जैसे नवासी चक्रवर्ती ने कहा हुआ था कि मैं अभी भी, मेरे को लग नहीं रहा कि मिथुन सुशांत सिंह राजपूत जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने करा है, आत्महत्या उन्होंने करी है, मेरे को ये लग नहीं रहा, नवासी चक्रवर्ती ने कहा है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड गलियारों में देखें तो सुपर डुपर डांसर, डिस्को डांसर की मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भी दुख जताया है। उन्होंने भी कहा है कि इतना होनहार लड़का कैसे चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो सच बताऊँ तो मिथुन चक्रवर्ती ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होते नहीं, बट उन्होंने कहीं भी हैं दुख जरूर जताया है। और ये बात सुन के, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये बात सुन के एक बच्चा जो 20-15 साल का बच्चा भी है, 10 साल का है, वो भी बहुत सोच में पड़ जा रहा है कि ऐसे कैसे ये कर सकता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे पर भी लिखा रहता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता था। अगर बंदा का सामने वाला बंदा उसको देखता है तो वो हंसता खेलता हुआ चेहरा था एक, जो अगर वो उसने आत्महत्या करी है वो अलग मैटर रहता है, पर कोई भी नहीं सोच सकता कि वो ऐसा कर सकता है। और अभी अगर देखा जाए तो उनके फैंस, उनके दोस्त, फैंस तो नहीं कहूँगा, उनके दोस्त जो करीबी दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, उनको मारा गया है। उनके दोस्त ये कह रहे हैं, जो करीबी दोस्त थे। और इस 20 या 25 दिन में 4 मौतें हुई हैं, 4 मतलब 3 मौतें, 3 से 4 मौतें हुई हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी थे। उन 4 मौतों में चौथी मौत सुशांत सिंह राजपूत की है, ये एक उनके फ्रेंड ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह गया है कि क्या ये हत्या है और क्या ये सुसाइड है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। बट ये है, अभी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली आई थी, शाम को 3 या 4 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी फैमिली आई थी और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया लॉकडाउन के कारण, आप सबको पता ही है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस समय कोई जल्दी इकट्ठा नहीं हो पाया था। बट ये है, श्रद्धा कपूर वहाँ पहुँची हुई थी, विवेक ओबरॉय पहुँचे थे, बड़े बड़े कलाकार, मतलब कुछ ही लोग पहुँचे थे, और वैसे भी एंट्री सबको नहीं मिल पा रही थी, आधे लोगों को बाहर ही कर दिया गया था। तो मुझे लगा ये सब आपको बताना चाहिए, और स्पेशल मिथुन दा के फैंस के लिए भी ये बहुत बुरी खबर है वैसे, क्योंकि एक होनहार बंदा जो चला जाते हैं, जो एक टैलेंटेड, क्योंकि मिथुन दा खुद ही कहते हैं कि टैलेंट को सबसे पहला नंबर मिलना चाहिए,
टैलेंटेड को पहला नंबर मिलना चाहिए, जैसा कि उन्होंने गोविंदा के लिए कहा था। आज कहीं ना कहीं गोविंदा भी जूझ रहे हैं अपने टैलेंट को लेके, वो दिखा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों को, उनके टैलेंट को दबाया जा रहे हैं। तो यही सेम, अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, बस मेरे को जो लगा यार मैंने बता दिया। अब डिसीजन आपको बताना है, करना है कि क्या ये सही है या गलत, सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है या उनको मारा गया, ये आपके आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और चलो, ये मिथुन के फैंस के लिए, नवासी के फैंस के लिए ये खबर थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।